अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। किसकी बेटी हैं आप? हा? बोलो ना। पापा की। पापा की बेटी हैं, मम्मी की नहीं है ना? हाँ, ये ला, जाओ जाओ खेलो। ओहो, क्या बात है मिस्टर संग्राम सिंह, आज सुबह सुबह परेशान नजर आ रही हो। ये खत किसका है? डाकू जनरल सिंह का मैसेज आया है, वो आपसे बिहड़ में भवानी माँ के मंदिर में अकेले बिना हथियार मिलना चाहता है। जनरल सिंह, जनरल सिंह, तुमने मुझे बिना हथियार अकेले बुलाया, मैं अकेला आया हूं। तुम अकेले आए हो इंस्पेक्टर, मैं तो हमेशा के लिए अकेला हो गया। जर्नेल जिंदगी की जंग हार गया इंस्पेक्टर, मौत ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। वो हाथ जो हमेशा मेरे दामन से गुनाहों के दाग मिटाने की कोशिश किया करते थे, वो हाथ चिता की आग में जलकर राख हो गए। I'm sorry. लेकिन मुझे यहां क्यों बुलाया? अपनी बीवी को दिया हुआ वचन निभाने के लिए। मैं अपने आप को तुम्हारे कानून के हवाले करने आया हूं। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, चंपा ठीक आ करती थी, डाकू की तकदीर विधाता की कलम से नहीं बल्कि बंदूक की गोली से लिखी होती है। कहा था उसने, उसे तो मैं गंवा चुका, मगर उसकी निशानी को नहीं खोना चाहता। एक बात बताओ इंस्पेक्टर, अगर मैं अपने आप को तुम्हारे कानून के हवाले कर दूं तो तुम्हारा कानून मेरे बेटे के साथ क्या सुलूक करेगा? कानून तो सिर्फ इंसाफ करेगा, और जहां तक तुम्हारे बेटे का सवाल है उसके साथ सुलूक मैं करूंगा, पाप जैसा। मैं उसे डाकू नहीं इंसान बनाऊंगा, उसके हाथ में बंदूक नहीं कलम थमाऊंगा। पाप ने सारी जिंदगी जुर्म किए, बेटा बड़ा होकर सारी दुनिया के साथ इंसाफ करेगा। एक वचन दो इंस्पेक्टर, मेरे बेटे की जिंदगी की किताब में आज के बाद मेरा नाम कभी नहीं आएगा। वादा करो इंस्पेक्टर। मैं वादा करता हूं। Thank you.
मिस्टर नयाल सिंह। संग्राम सिंह, आप परसों बाद? कहीं मेरे सूरज को तो कुछ नहीं हुआ ना? क्या बात करते जनरल सिंह, मेरे होते हुए तुम्हारे बेटे को कभी कुछ हो सकता है क्या? मैं तुम्हें यहां से पैरोल पर ले जाने आया हूं। मुझे? तुम्हारी बरसों की तपस्या आज पूरी हो गई, तुम्हारा बेटा सूरज पुलिस अफसर बन गया है। जनरल सिंह, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, पुराने जख्म याद आ गए। दुखों की आदत पड़ चुकी है ना, सारी जिंदगी मायूसी के अंधेरों में गुजर गई, अचानक खुशियों का सूरज सामने आएगा तो आंखों से आंसुओं की जगह खून में निकलेगा। जब खुशी का दिन आया तो हिम्मत हार गए। संग्राम सिंह, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे संभाल लेना, संभाल लेना भाई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट श्री संग्राम सिंह के बेटे सूरज सिंह, जो इस बैच में अव्वल आए हैं, उनको हमारे महकमे की तरफ से सोर्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। सूरज सिंह, मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन गया, आज मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन गया। अरे हमारा सूरज पहली बार पुलिस की वर्दी पहन के आएगा ना, तब दोनों उसे सलूट करेंगे। मुबारक हो सूरज। और दूसरे स्थान पर आए हैं श्री प्रदीप पारिक के बेटे प्रफुल्ल पारिक। तीसरा स्थान दिया जाता है श्री के आर पी। आप मुझे सलूट क्यों कर रहे हैं बाबा? बेटा, मैं उस मां को सलाम कर रहा था जिसने तुम्हें जन्म दिया। लीजिए माय हैंडसम यंग ब्रदर, आपकी ये बहन आपका ये ड्रेस अपने हाथों से आयरन करके लाई है, क्योंकि आज आपके ड्यूटी का पहला दिन है। और आपकी ये ग्रेट सिस्टर आपको आशीर्वाद देती है कि आप भी डैडी की तरह बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। अरे ओ छुटकी, बड़ा अफसर तो मैं बन ही जाऊंगा,
आपकी दुआ से। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे ड्रेस पे बिल्ले लगाए या नहीं। क्यों नहीं लगाए? वेरी गुड सूरज, कानून के जिस रास्ते पर आज से तुम कदम रखने वाले हो वो रास्ता बहुत कठिन है। उस रास्ते पर चलते वक्त तुम्हारे कदमों को दौलत की जंजीरों से जकड़ा जाएगा। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी कमजोरी बना दिए जाएंगे और तुम्हें जान से मार देने की धमकी भी दी जाएगी। लेकिन अगर तुम इन सब चीजों को ठुकरा कर आगे निकलोगे तो मंजिल तुम्हारे सामने होगी। डैडी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक कानून की हिफाजत करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डैडी। बेटा, भगवान तुझे तरक्की दे। एक्सक्यूज मी सर, वो कल रात ड्यूटी दे रहा है। इंस्पेक्टर शर्मा एट योर सर्विस सर। ये कंप्लेंट बुक खाली क्यों? आप तो जानते हैं सर, ये कंप्लेंट बुक एक क्राइम रिपोर्ट होती है और जिस इलाके में रामराज्य है वहां कंप्लेंट कौन करेगा? चल चल दारू बना। ये जग्गू दादा की बस्ती है, यहाँ पुलिस वालों से क्या डरना। मुझे मैं अपनी बेटी की इज्जत के साथ नहीं खेलने दूंगी कमीने। ये जग्गू दादा की बस्ती है और जग्गू दादा का जिस पे दिल आता है वो उसके साथ खेलता है। मैं पुलिस स्टेशन में जाके तेरी कंप्लेंट लिखाऊंगी। पुलिस तो बिकाऊ चीज होती है और हर बिकाऊ चीज हम पहले से खरीद लेते हैं। अरे आज कौन बच्चे कौन बचा रहा है हम। हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता। Thank you.
सर, सर आपने, सर ये रहा तुम्हारे रामराज का पहला रावण शर्मा, आज से कंप्लेन बुक लिखना शुरू करो। सर आपने अच्छा नहीं किया सर, इसका बॉस बड़ा खतरा। कौन है इसका बॉस? इस इलाके का बादशाह है सर। मिस्टर शर्मा, लगता है आपकी हिस्ट्री बड़ी कमजोर है। हिंदुस्तान से बादशाह 30-35 साल हुए, खत्म हो चुकी है। नहीं सर, मेरा मतलब है सर। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह जानता हूं शर्मा। इस पुलिस स्टेशन में वही होगा जो कानून की किताबों में लिखा गया है, समझे? लेकिन सर इस इलाके में आपके उस किताब का नहीं, जाबर का कानून चलता है।